गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, सातवीं क्लास के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। हम चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, आगच्छ भोजनम कुरियाम। और उसके दौरान हमने जाना था कि सुधीर ने बताया था कि जिस भोजन में प्रोटीन, विटामिन, वसा और खनिज पदार्थ, सलाद और तथा जल से संबंधित मतलब लस्सी आदि आदि सारे पदार्थ होते हैं, वही पदार्थ भोजन जो है संतुलित भोजन होता है। तो इससे आगे हम आगे बढ़ रहे हैं। अध्यापिका शोभनम, सही कहा, एतई तत्वई किम भवति, इन तत्वों से क्या होता है। अब आगे देखिएगा, प्रगति कहती है प्रोटीन, ये जो अभी गिनाए हैं उन सब तत्वों में हर एक की अलग अलग महत्ता है, अलग अलग काम है। प्रोटीन इति तत्वेन नव कोशिका नाम रचना भवति, प्रोटीन से शरीर में नई सेल्स बनती हैं, नई कोशिकाओं की रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा च अस्मभ्यम नव शक्ति यस्ता, कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें नई ताकत देते हैं। अध्यापिका कहती है सुष्ठु कथितम, सही कहा। आदित्य कथयतु, आदित्य बताओ खनिज पदार्थ किम कुर्वन्ति, कि खनिज पदार्थ क्या करते हैं, हमारे शरीर में खनिज पदार्थ क्या करते हैं। तो आदित्य क्या कहता है कि खनिज पदार्थ ही अस्माकम शरीरम पोषणम लभते, खनिज पदार्थ से हमारा शरीर पुष्टि को प्राप्त करता है, पोषण को प्राप्त करता है, यानी बढ़ता है। इतिसाम अभावे शरीर अनेक रोगा भवन्ति, इनकी कमी के कारण शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। लता क्या कहती है, खनिज पदार्थेषु लोह तत्वम, खनिज पदार्थों में एक तो लोह तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति, तो इनमें लोह तत्व है, कैल्शियम है, पोटेशियम है और आयोडीन आदि तत्व होती हैं। एतानि बिना, इनके बिना शरीरम शक्तिहीनम भवति, शरीर शक्तिहीन हो जाता है। एतानि तत्वानि, और ये जो तत्व मिलते हैं, साकेभ्य जिसमें तरह तरह की सब्जियां आती हैं, फलेभ्य अनेक प्रकार के फल आते हैं, दुग्धात दूध से, लवणात च अपिप्राप्यन्ते और नमक से भी प्राप्त होते हैं। तो ये जो आयोडीन आदि जितने भी तत्व गिनाए हैं वो सारे के सारे बताया है कि ये सब्जियों से, फलों से, दूध से और नमक से भी प्राप्त होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिसमें हम नित्य प्रति जो है अलग अलग सब्जियां प्रयोग करते हैं, तो वो अलग अलग सब्जियों में अलग अलग प्रकार के खनिज पदार्थ और कैल्शियम, पोटेशियम, लोह तत्व आदि विद्यमान होते हैं, और जो हमें भरपूर मात्रा में अपनी भोजन के अनुसार लेने चाहिए। श्यामा कहती है आचार्य रुक्षांशाह के भवंती, रुक्षांश रुख्यांश यानी सलाद क्या होता है, रुख्यांश क्या होता है, रुक्षांश क्या होता है, का चाहते साम उपयोगिता, इनका क्या प्रयोग है जी। अध्यापिका रुक्षांशा भोजनस्य पाचन क्रियायाम सहायकाः भवन्ति, जो रुक्षांश होता है यानी जो सलाद आदि है वो भोजन को पचाने में, हजम करने में, डाइजेस्ट करने में सहायता करता है। एतद अर्थम, इसके लिए अपक्व साकम, कच्ची अवस्था में बिना पकाए कच्चे साग सब्जी, फलानी फल, कर्कटिका ककड़ी, चरमटी खीरा आदयः प्रतिदिनं खादितव्या, आदि हर रोज खाने चाहिए। एक बार फिर से देखें, श्यामा पूछती है आचार्य रुक्षांशा के भवंती, भाई सलाद क्या होता है, रुक्षांश क्या होता है, का च एतेषाम उपयोगिता, और इनकी प्रयोग क्या है, इनकी उपयोगिता क्या है। अध्यापिका रुक्षांशाः भोजनस्य पाचन क्रियायाम सहायकाः भवन्ति, रुक्षांश जो होते हैं वो भोजन को पकाने में, पचाने में, हजम करने में सहायता करते हैं। एतदर्थम, इसके लिए आप पको मैंने कच्ची अवस्था में, साकम मैंने सब्जियां, कच्ची सब्जियां, फलानी फल, कर्कटिका ककड़ी, चरमटी खीरा आदय मैंने आदि प्रतिदिनम खादितव्य, हर रोज खाने चाहिए। हाँ जी, खीरा गाजर आदि आ गए, ककड़ी वगैरह आपके सामने। विवेका कथयतु किम ज्ञातम, बताओ क्या पता चला। तो विवेक कहता आचार्य अस्माभि भोजने प्रतिदिनम उचित रूपेण, हमें भोजन में हर रोज उचित मात्रा में दुग्धम मैंने दूध, तंडुलाह चावल, सूपाह दाल,
घृतम घी नवनीतम मक्खन रोटिका रोटी फलानी फल शाकानी और सब्जियां खाद्य तव्याने मैंने खाने चाहिए। तदेव वयम स्वस्था भविष्य में, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। अध्यापिका शोभनम सही सम्यक ज्ञातम सही जान लिया आगछत आओ भोजनम कृत्वा गृहम चला में भोजन करके घर चलते हैं। सर्वे छात्रा भोजनम कृत्वा प्रसन्नतया सभी छात्र भोजन करके प्रसन्नता मैंने खुशी खुशी के साथ बस यानम प्रति गच्छन्ति बस यान की ओर जाते हैं बस की ओर जाते हैं। धन्यवाद। तो आपने इसकी हिंदी लिखनी है और इसको याद करना है। इसमें इसके एक्सरसाइज इसके बाद रहेगी। अभी आपने सिर्फ इतना ही करना है कि इस पाठ की हिंदी आप लिख लें और इसे याद कर लें और आप ये चार्ट बनाने की कोशिश करें कि कौन कौन से शरीर को विटामिन चाहिए, कौन से प्रोटीन चाहिए, किस तरह से हमें मिनरल वगैरह सब कुछ जो जो भी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सुंदर चार्ट बनाएं और तैयार करें। धन्यवाद।